तो आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। यह मेरे पास देखिए हीरो कंपनी का स्प्लेंडर बाइक, और बाइक का फ्रंट से शॉकर से आ रहा था खटखट का नॉइज, और बाइक का देखिए दोनों का दोनों हम शॉकर यहाँ पे ओपन कर रखे, शॉकर से काफ़ी ज़्यादा खटखट खट का नॉइज आ रहा था, और साथ साथ बाइक का शॉकर यहाँ पर लीकेज भी है, और शॉकर जो है दोनों का दोनों लीकेज है, दोनों ही शॉकर से यहाँ से शॉकर से आयल जा रहा है। इसके लेकर इस शॉकर के अंदर एक एल सील लगा रहा था, वो एल सील कट गया था। डीपली इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, तो आप लोग वीडियो में अंत तक, बट शॉकर तो लीकेज होना ये नॉर्मल प्रॉब्लम, लेकिन ज़्यादातर बाइक में देख रहे हैं अभी कि शॉकर से काफ़ी ज़्यादा बाइक से आते रहता है साउंड, जैसे लग रहा है कि फ्रंट से हैंडल से साउंड आ रहा है, जिसके लेकर हम लोग बाइक का हैंडल का काम करवा देते हैं, बुलडेसर वुलडेसर सब रिप्लेस करवाते, फिर भी फ्रंट से ढुक 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 का एक साउंड आते रहता है, वो साउंड आते रहता है बाइक का फ्रंट शॉकर से। तो आप लोग इस वीडियो के अंदर डीपली कवर करेंगे शॉकर को किस तरह से रिपेयर करें जिससे फ्रंट से जल्दी साउंड नहीं है, शॉकर से साउंड नहीं है, और एक शॉकर लीकेज है तो क्या दोनों शॉकर बनवाना चाहिए, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। अगर शॉकर आयल सेटिंग करने के लिए आपको एक स्पेशल टूल चाहिए, तो दोनों शॉकर में आप सेम, जब मान लीजिए ये शॉकर लीकेज है और ये शॉकर परफेक्ट सही है, तो एक ही शॉकर का काम करना है, न कि दोनों शॉकर, लेकिन एक शॉकर में 140 या 165 ml आयल रहता है, दूसरा शॉकर जब आप रिपेयर करते तो उस टाइम भी शॉकर में आप आयल सेटिंग करके दीजिए, तो दोनों शॉकर प्रॉपर वर्क करें। ये नहीं कि मान लीजिए ये शॉकर लीकेज है तो इस शॉकर को रिपेयरिंग किया तो इसमें ज़्यादा आयल डाल दिया, जो पहले वाला जो शॉकर है ये सही है, ये लीकेज उकेज नहीं है, और इस शॉकर में आयल पहले से कम है, तो दोनों शॉकर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। लेकिन ज़्यादातर देखते हैं कि बोलता है कि एक शॉकर लीकेज है तो दोनों शॉकर रिपेयर कर, बट ज़्यादा पुराना बाइक है या बाइक 20-25 हज़ार किलोमीटर चल गया तो दोनों शॉकर का आप आयल चेंज कर सकते हैं। अगर एक शॉकर लीकेज है तो एक शॉकर को रिपेयर कर दीजिए, दूसरे शॉकर का आप आयल भी चेंज करके काम चला सकते हैं। देखिए बाइक का फ्रंट शॉकर का एक एक पार्ट को यहाँ पर हम ओपन कर लिए हैं, बट ये आयल वायल सब एक ही जगह रख दें, क्योंकि अभी शॉकर के अंदर बिल्कुल बुरी कंडीशन हो गया था। दोनों का दोनों पाइप को भी यहाँ पे देख रहे हम ओपन कर रखे, अभी चलिए सभी पार्ट को हम प्रॉपर अच्छा से पहले डीजल या पेट्रोल से अच्छा से पहले वॉश करेंगे। शॉकर में से जो ढुप 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 का अभी नया नया बाइक में देख रहे हैं कि साउंड आते रहते हैं, साउंड कहाँ से आ रहा है वो भी आपको इस वीडियो के अंदर कवर किया। ये है मेन शॉकर का हाइड्रोलिक, जो अंदर में पंप होता है ना, ये है पंप, यहाँ पे देख रहे दो हॉल दिया हुआ है। मेन कमाल है इस पंप का, पंप के प्रॉब्लम आने की वजह से शॉकर से साउंड आते रहता है, तो शॉकर में अभी बिल्कुल एक छोटा सा जुगाड़ करेंगे जिससे शॉकर से ढुप ढुप का साउंड भी रिमूव हो जाए। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और साथ साथ बाइक का शॉकर लीकेज भी था तो आयल सील भी इसमें रिप्लेस करना है, दोनों काम हो जाएगा, साउंड भी रिमूव हो जाएगा, शॉकर रिपेयर भी हो जाएगा। शॉकर रिपेयरिंग टाइम क्या क्या चीज़ आपको चेकअप करना है जिससे बार बार शॉकर लीकेज न करें, डीपली इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। पहले हम दोनों पंप को यहाँ पे लेकर चलते हैं लेथ वाले भाई के पास, और इस पंप के अंदर करना है एक सेटिंग लेथ से। चलिए आपको पहले वो सेटिंग करके दिखला रहा, या अगर ये खराब हो गया है तो आपको एक बार शॉकर हाइड्रोलिक नया डाल के चेकअप भी करना है। तो गाइस देखिए यहाँ पे फाइनली हम आ गए हैं वेल्डिंग वाले भाई के पास, और अभी इसके अंदर टोटल चार हॉल है ना, तो इससे एक हॉल आपको ब्लॉक कर देना है, यानी कि वेल्डिंग करके एक हॉल को जाम कर देना है। जाम करने से ये होगा कि इसके अंदर का जो हाइड्रोलिक का प्रेशर है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, जिससे शॉकर प्रॉपर झरझर झरझर ढू 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 का साउंड शॉकर से नहीं आएगा, साउंड आपको 100% रिमूव भी हो जाएगा। चलिए फटाफट से आप एक हॉल कोई भी चार में से एक कोई हॉल आप इसको वेल्ड करके ब्लॉक कर सकते हैं बिल्कुल अच्छा से। कुछ इस तरह देखिए ब्लॉक कर रहे हैं हम इसको, वेल्डिंग करके पच्छा से इसको जाम कर देते हैं, प्रॉपर स्मूथनेस से जाम हो जाएगा। देखिए देखिए दोनों शॉकर हाइड्रोलिक यानी पंप को हम एक एक हॉल को ब्लॉक कर दिए यहाँ से, अब इसको कुछ देर छोड़ देते ठंडा होने के लिए, ठंडा हो जाएगा तो इसको ग्राइंडर से करना है इसको कटिंग। देखिए जब तक इसको ग्राइंडर से अच्छा से हम कटिंग नहीं करेंगे तब तक ये शॉकर पाइप के अंदर फिट नहीं, क्योंकि यहाँ पर हो गया उभरा खुभरा, इसको प्रॉपर अच्छा से इसको करना है कटिंग करके बिल्कुल फिनिशिंग में प्लेन, जैसे बाकी साइड देख रहे ना बिल्कुल प्लेन है, उस साइज में आपको इसको कटिंग करके बनाना है बिल्कुल प्रॉपर अच्छा से प्लेन कर देना है, ताकि ये स्मूथनेस शॉकर पाइप के अंदर परफेक्ट आ जाए। और ये जुगाड़ हमने काफ़ी बाइक में किया और काम मेरा काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, अभी तक मुझे एक भी बाइक में शॉकर के साउंड आने वाला प्रॉब्लम नहीं आया, जिस जिस बाइक में प्रॉब्लम आ रहा था इस जुगाड़ का यूज किए प्रॉब्लम 100% सॉर्ट आउट होते गया। तो चलिए फटाफट इसको ग्राइंडर से अच्छा से हम कटिंग कर देते हैं, यानी कि उसको प्लेन कर देते फिनिशिंग में। देखिए इसको परफेक्ट हम अच्छा से कटिंग करके प्लेन कर दिया, अभी एक हॉल इसका ब्लॉक है। अब चलिए फटाफट हम चलते हैं वर्कशॉप के अंदर, हमने क्या क्या काम करवाया, शॉकर को सबसे पहले पार्ट बाय पार्ट ओपन कर लिया है, और साथ साथ बात करें तो बाइक का फ्रंट वाला शॉकर लीकेज भी था, लीकेज के लिए एक आयल आता है आयल सील, जो कि आयल सील कट जाता है कुछ दिन के बाद, उस टाइम हम लोग आयल सील रिप्लेस करते हैं, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है शॉकर लीकेज का। लेकिन शॉकर लीकेज के साथ साथ बाइक का
शॉकर से आ रहा था फ्रंट से खट खट डुब 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 का काफी नोइज। तो अगर इस तरह का नोइज आए सबसे पहले आपके बाइक का शॉकर पाइप को चेकअप करना है। शॉकर पाइप में कौन सा चेकअप, कौन सा पार्ट चेकअप है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर है, उस पार्ट को चेकअप करें जो कि अभी के बाइक में सबसे ज्यादा साउंड आ रहा है शॉकर से। अब आप लोग के बाइक में साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है ये तो मुझे नहीं पता, बट हमारे वर्कशॉप पे इस प्रॉब्लम को लेकर काफी बाइक आता है, स्प्लेंडर हो गया, अपाची है, ग्लैमर है, सही बाइक में ज्यादा ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है। क्या आप लोगों के बाइक में भी ऐसा साउंड आ रहा है? तो एक बार आप हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और बाइक के रिलेटिव नॉलेजेबल कंटेंट के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो को अपने दोस्त फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि अगर किसी भी दोस्त के बाइक में ऐसा प्रॉब्लम होगा तो वीडियो से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। क्योंकि मुझे काफी कमेंट है भैया शॉकर डुब 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 का काफी नोइज आ रहा है, और इस वीडियो के अंदर डीपली कवर करेंगे नोइज कैसे रिमूव करना है। सबसे पहले देखिए शॉकर का पाइप को कुछ इस तरह से ओपन कर ले। शॉकर कहीं से लीकेज उकेज, शॉकर का पाइप कहीं से भी खराब नहीं है। एक होता है कि शॉकर बार बार लीकेज कर रहा है तो उस टाइम पाइप यहाँ से कट जाता है, घिस जाता है, पाइप कटने की वजह से बार बार आयल सील करता है। बट ये ब्रांड न्यू बाइक है, मात्र 10,000 किलोमीटर चला हुआ बाइक का शॉकर से आ रहा था साउंड, और हम शॉकर को किए हैं ओपन। भाई गर्मी इतना ज्यादा है क्या बतले, देख रहे गर्मी इतना ज्यादा है क्या है आप लोग को बतले। तो भाई गर्मी में इतना मेहनत करके वीडियो शूट करे तो आप लोग सब्सक्राइब तो कर सकते हैं भाई मेरे लिए, थोड़ा नजदीक से दिख लो भाई। ये है बाइक का फ्रंट शॉकर का पाइप, फ्रंट सस्पेंशन का पाइप है, इसके अंदर लगा है एक बूश जो कि ये आप बूश देख रहे हैं, और ये है फिंगर। फिंगर से आपको क्या करना है, उंगली से आपके इसके अंदर उंगली डाल के इस तरफ चेकअप कर, देखिए बूश इसका किस तरह से आगे पीछे हो, देखिए इसका बूश जो है ना ऊपर नीचे हो रहा है, या आप उंगली डाल के इस तरह चेकअप कीजिए, बूश ऊपर नीचे होगा साथ साथ बूश आपको मूव करते रहेगा, इस तरह चेकअप कीजिए। जैसे कि देखिए बाइक का बूश जो है ढीला पड़ रहा है, बूश काफी ज्यादा, ये बूश जो अंदर वाला ढीला पड़ रहा है, बूश मूव कर रहा है, तो अभी सबसे पहले डुब डुब का साउंड बूश से आते रहते। तो बूश को आपको क्या करना है, टाइट करना है। टाइट कैसे करना है, तो आपको लेना है इस तरह का हैमर, हैमर लेकर के इसके ऊपर इस तरह थोड़ा थोड़ा आपको दबाव डालना है, देखिए नीचे देखो आप इस तरह से ऊपर से इस पाइप को ऊपर से थोड़ा थोड़ा दबाव डालिएगा तो परफेक्ट ये पाइप का बूश जो है दब जाएगा, दब गया। अब बूश को कितना भी आगे पीछे कर रहे हैं तो ऊपर नीचे बिल्कुल भी प्ले नहीं आ रहा है, ना ही है दोनों तरफ मूव कर रहा है बिल्कुल भी, बूश ये टाइट हो गया, जाम हो गया। तो अब आपको क्या करना है, दूसरे शॉकर के पाइप में ये काम आपको करना है, चेकअप करना है। तो अभी देखिए दोनों का दोनों पाइप में सेम प्रॉब्लम है, चलिए इसी ट्रिक का यूज करके हम इस पाइप को भी जाम कर देते हैं। तो फ्रेंड देखिए दोनों पाइप को हमने बूश को जाम कर दिया कुछ इस तरह से, देख लिया दोनों पाइप का बूश जाम कर दिया। अब आपको दूसरा चेकअप करना है, वो है बाइक का हाइड्रोलिक, जो फ्रंट से फ्रंट शॉकर का हाइड्रोलिक है अंदर वाला जो पंप है इसको चेकअप करना है। इसके अंदर देखिए 1, 2, 3, 4 टोटल 4 होल देता है, लेकिन कई बार क्या होता है 4 होल में साउंड आ जाता है, उस टाइम आपको एक हॉल को ब्लॉक कर देना जिस तरह से हम दिखाया है वीडियो के अंदर, उस तरह से एक हॉल को ब्लॉक कीजिएगा, इसका प्रेशर थोड़ा हार्ड हो जाएगा जिससे साउंड शॉकर का साउंड रिमूव हो सकता है। उसके बाद बात कर ली, ये एक आता है अंदर में रबर का आयल सील जो कुछ इस तरह से कट वाला आयल सील देखने को मिलेगा, ये खराब रहेगा तो भी साउंड आएगा, या फिर आपके बाइक का ये फुल असेंबल हाइड्रोलिक खराब रहेगा या कट जाएगा तो भी आपके फ्रंट शॉकर से ढुक 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 का काफी नोइज जाएगा। इन सभी पार्ट को अच्छा से इंस्पेक्शन करना है, चेकअप करना है। तो अभी सबसे पहले देखिए हाइड्रोलिक को कुछ तरह से बेल्ट करवा के इसको प्रॉपर प्लेन कर दिए ताकि फ्रंट शॉकर से इसके अंदर प्रॉपर आ सके। आप देखिए प्रॉपर आ रहा है, अगर इसको बेल्ट करके इसको प्लेन नहीं करते प्रॉपर इसके अंदर नहीं आता। तो चलिए अभी शॉकर को पहले हम असेंबल कर लेते हैं। इसके अंदर देखिए रबर इसका प्रॉपर सही है जो रबर है, अब इसके अंदर एक आपको डालना है इस तरह का स्प्रिंग, जस्ट उसके बाद पाइप के अंदर हाइड्रोलिक यानी पंप को इस तरह से सेटिंग कर दें, देखिए परफेक्ट आ गया यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर से डाल देना है कुछ इस तरह का एक बूश मिलेगा, इस बूश को यहाँ पे रख देना है ऊपर से, देखिए परफेक्ट ये बूश आ गया। अब आपको शॉकर लेग के अंदर से इसको सेटिंग कर देना कुछ इस तरह से। लेग सेटिंग करने से पहले लेग के अंदर में देखिए एक इस तरह का आपको पीतल का बूश दिखाई देगा, बूश को चेकअप करना है, शॉकर लेग को अच्छा से इंस्पेक्शन करना है, लेग बैंड वैंड तो नहीं है या अंदर से चिपका उपका तो ना, यानी दबा उबार उपाय, अगर दब गया है तो उसको प्रॉपर अच्छा से फ्री कर देना है खराद वाले भाई के पास जाकर के। फिलहाल इस बाइक का लेग को हमने अच्छा से इंस्पेक्शन किया, शॉकर का नीचे वाला लेग है इसको प्रॉपर अच्छा से इंस्पेक्शन किया, ये परफेक्ट सही है, स्मूथनेस वर्क कर रहा है। अभी चलिए एक शॉकर को कुछ इस तरह से हम कर देते हैं इसके अंदर सेटिंग, प्रॉपर सेटिंग कर दे, जस्ट उसका कुछ इस तरह का स्पेशल टूल्स आ जाए जो कि शॉकर के अंदर इसको रख के प्रॉपर, अब ऊपर वाले 6 mm वाले नट को टाइट करना है। तो कुछ इस तरह का आपको एक नट मिलेगा, नट के अंदर कुछ इस तरह का आपको एल्युमिनियम का वार्सल देखने को, या फिर पीतल का वार्सल होता है जो कि आयल लीकेज नहीं होता, यहाँ से आयल का सीलन नहीं होता। अब चलिए इसके अंदर रखते हैं बोल्ट को
और 6 mm का एलके रिंच लेकर के सॉकर नट को यहाँ पे कर देते हैं फुल टाइट। सॉकर को हमने परफेक्ट अच्छा से टाइट कर लिया, सभी नट बोल्ट को प्रॉपर टाइट हो गया। आप देखिए सॉकर पैप हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। अगर सॉकर टाइट करने के बाद इस तरह से ऊपर नीचे कर रहा है, सॉकर जाम वर्क कर रहा है, तो उस टाइम आपको एक बार खराद वाले भाई के पास जाकर लेग को अच्छा से फ्री करवाना है। और ये प्रॉब्लम आता है एक्सीडेंट होने के बाद, बट बैक एक्सीडेंट वैक्सीडेंट कुछ भी नहीं होता। अब देखिए प्रॉपर हमारा सॉकर वर्क कर रहा है, दोनों सॉकर को असेंबल कर दिए। जस्ट उसके बाद इस तरह का आप आर्सल देखने को मिलेगा, वार्सल जो कि कुछ इस तरह से मोटा वाला आर्सल है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, वार्सल को यहाँ पे डाल देते हैं इसके अंदर। देखिए प्रॉपर ये आ गया, तो नजदीक से देख लो यहाँ पे वार्सल परफेक्ट हमने यहाँ पे सेटिंग कर, जो कि अंदर चला गया। कुछ इस तरह का वार्सल था, एक सॉकर में डाल दिया, एक सॉकर का भी मेरे पास है। अब इसमें सेटिंग करना है सॉकर सील, जो कि STA का सॉकर सील सेटिंग कर रहे हैं। STA जेनुअन सप्लाई देता है और STA का सर्विस भी जेनुअन से काफ़ी अच्छा है। ये देखिए सॉकर सील में एक तरफ से थोड़ा ज़्यादा डीपली गड्ढा है, एक तरफ से थोड़ा कम गड्ढा है। जिस तरफ से कम गड्ढा है उसको रखना है ऊपर की फेस में, जिस तरफ से डीपली थोड़ा ज़्यादा गड्ढा है उसको रखना है अंदर की फेस में। आप यूज के लिए यहाँ पे थोड़ा ऑयल भी यूज कर सकते हैं, फिलहाल आप वैसे भी सेटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे देख लो कुछ इस तरह से हम एलसील को सेटिंग करेंगे। काफ़ी मैकेनिक भाई लोग पहले भी एलसील सेटिंग कर लेता है, उसके बाद पाइप सबको सेटिंग करता है, बट हमारे पास सॉकर एलसील सेटिंग करने के लिए स्पेशल टूल्स है। तो टूल्स है तो पहले आप पाइप वाइप को सेटिंग कर लीजिए, उसके बाद नया एलसील डालिए। इसलिए हम पुराना एलसील बाहर निकाल रखे थे। अब चलिए टूल्स की मदद से क्या करेंगे, इस एलसील को यहाँ पे सेटिंग करेंगे, जो कि नज़दीक से देख लो। देखिए कुछ इस तरह से हम टूल्स की मदद से सॉकर सील को सेटिंग करेंगे। बिल्कुल इजी वे में सॉकर सील हमारा सेटिंग हो गया। देखिए टूल्स हमारा परफेक्ट आ जाता है, ऐसा नहीं है। देखिए टूल्स से हम परफेक्ट एलसील को एक जैसा सेटिंग कर दे, कंपनी रिकमेंड फिटनेस हो गया। अब उसके बाद इस तरह का एक आपको लॉक देखने को मिला, जो कि लॉक को कुछ इस तरह से आपको डालना है ऐसे से। देखिए लॉक रख के यहाँ पे ऊपर से इसको प्रॉपर अंदर करके लॉक कर देना है। जस्ट उसके बाद कुछ इस तरह का आपको डस्ट बूट मिलेगा, इसका कैप मिलेगा ताकि यहाँ पे डस्ट ना जाए। अब इसको कुछ इस तरह से स्क्रॉल करके यहाँ पे सेटिंग, देखिए प्रॉपर स्मूथनेस सेटिंग हो गया। अब सॉकर का काम हमारा हो गया यहाँ तक का फाइनल कंप्लीट। सॉकर के अंदर डालते हैं हम ऑयल, सॉकर के अंदर हम सॉकर ऑयल का यूज नहीं करेंगे, इंजन ऑयल का यूज करेंगे, क्योंकि सॉकर से आ रहा था साउंड और ऑयल होता है पतला, इंजन ऑयल होता है थोड़ा मोटा, तो जो भी गैप रहेगा फिर घिसा हुआ पार्ट रहेगा उसको ऑयल जो है प्रॉपर मेंटेन कर लेगा। आप चाहे तो ऑयल भी डाल सकते हैं, बट ऑयल से मैं काफी बेस्ट समझता हूँ कि इंजन ऑयल डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो हम लोग नया बाइक से इंजन ऑयल बाहर निकालते हैं वो इंजन ऑयल आपको डालना है, कोई भी सॉकर के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऐसा नहीं सोचे कि इंजन ऑयल डालने से सॉकर के अंदर प्रॉब्लम होता, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और ये है मेरे पास, देखिए ऑयल नापने के लिए कुछ स्पेशल टूल्स है। जब हम इंजन ऑयल डालते हैं तो आपको 140 ml ही सॉकर ऑयल डालना है, यानी इंजन ऑयल डालना है। अगर सॉकर ऑयल हम डाल रहे हैं तो 160 ml एक सॉकर में डालना है। फिलहाल मैं यहाँ पे इंजन ऑयल डालता हूँ तो 140 ml ही इंजन ऑयल डालूंगा, जो कि इस डब्बी के अंदर इंजन ऑयल है। देखिए 140 ml ये हम इंजन ऑयल ले लिए, जो कि बाइक से बाहर निकाले थे। अब देखिए 140 ml इंजन ऑयल ले लिए हम। अब चलिए सॉकर के अंदर यहाँ पे डाल देते हैं, इंजन ऑयल डाल सकते हैं जो बाइक से हम बाहर निकालते हैं। बिल्कुल जला हुआ नहीं डालना है, जो न्यू बाइक से इंजन ऑयल निकालते वही डालना है। ऑयल डालने के बाद सॉकर पाइप को 3-4 मरतबा इसको ऊपर नीचे स्क्रॉल डॉल करना है, ताकि इसके अंदर जो भी एयर बबल्स होगा वो बाहर निकल जाएगा। और जस्ट उसके बाद सॉकर के अंदर डालना है स्प्रिंग, एक तरफ से कम लेंथ है, एक तरफ से ज्यादा लेंथ है। जिस तरफ से ज्यादा लेंथ है उसको रखना है अंदर की तरफ, यहाँ पे देखिए इस तरफ से डाल दिए। अब जस्ट उसके बाद इसके अंदर आता है कुछ इस तरह का वार्सल, जो कि एक वार्सल यहाँ पे डालना है। जस्ट उसके बाद कुछ इस तरह का आपको बूस्ट देखने को मिला, बूस्ट को यहाँ पर रख के पाइप को ऊपर कर देना। जस्ट उसके बाद ये आ जाता है, एक आ जाता है फिक्स एंड जाम नट, जो कि नट को यहाँ पर टाइट कर देना है। तो जरूरत के हिसाब से फुल टाइट करना है, अगर ढीला रहेगा तो फिर यहाँ से ऑयल का सीलन होगा, लीकेज करेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखिए एक सॉकर हमारा बन के हो गया फाइनली तैयार। अब इसको आपको वर्क करके दिखा, देखिए सॉकर हमारा प्रॉपर स्मूथनेस वर्क कर रहा है, सॉकर से साउंड वाउंड अब कुछ भी नहीं आ रहा। अब चलिए फटाफट से बाइक के अंदर हम सॉकर को कर देते हैं सेटिंग। देखिए प्रॉपर सॉकर वर्क कर रहा है, इसी तरह से हम दोनों सॉकर को फटाफट से असेंबल कर देंगे। तो फ्रेंड देखिए यही वो हीरो स्प्लेंडर प्लस BS6 मॉडल का बाइक है, जिस बाइक में फ्रंट सॉकर से आ रहा था ढूप 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 यानी झरझर झरझर का साउंड। और सॉकर को आप देखें हम किस तरह से रिपेयर कर दिए। अब बाइक को हमने टेस्ट ड्राइव ले लिया तो सॉकर से बिल्कुल भी नॉइज वॉइज कुछ नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों के बाइक में फ्रंट से सॉकर से ढूप 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 झरझर का साउंड आ रहा है, व्हील बैरिंग चेकअप कर लिए, बुलडेजर चेकअप कर लिए, फिर भी सॉकर से साउंड आ रहा है, ऑयल वॉयल चेंज करवा लिए, जो जो ट्रिक इस वीडियो के अंदर हम बतलाए हैं उस ट्रिक सबका आप फॉलो कीजिए, साउंड 100% रिमूव होगा। अगर फिर भी रिमूव नहीं हो रहा है तो आप हमें एक बार कमेंट करके जरूर बतलाएं। अगर आप लोग
आप एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगले किसी और वीडियो में कोई और प्रॉब्लम होगा वो भी आपको वीडियो के अंदर बताएंगे। तो और भी नॉलेजेबल कंटेंट के लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाले वीडियो का अप टू डेट आप तक पहुंचे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।